विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नज़्म द डैफ़ोडिल्स का आगाज़ कुछ यूं होता है कि मैं वादियों और कोहसारों की फ़िज़ाओं में तैरते बादल की तरह आवारा गर्दी कर रहा था। यकायक मैंने एक झील के किनारे दरख्तों के नीचे सुनहरे डैफ़ोडिल फूल देखे। वो मखमूर हवाओं में रक़्स कर रहे थे, यूं ही बादल की तरह बर्फ़ जारों पहाड़ों और बस्तियों में आवारा गर्दी करते। देवसाई को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे वर्ड्सवर्थ ने देवसाई में बैठकर ये सब कुछ लिखा हो। यकीन नहीं आता तो आप खुद आकर देवसाई के नेशनल पार्क में देख लें। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये देवसाई का नेशनल पार्क है और ये लोग पर पर्सन जो है वो 100 रुपीज़ टिकट लेते हैं। मैं सारा देवसाई पहले ही भी देख चुकी हूँ और यहाँ पे जो रोड्स की हालत है वो बहुत ही खस्ता है। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनसे मैंने जब ये पूछा कि आप लोग ये जो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं इन पैसों को आप कहाँ खर्च करते हैं, क्योंकि रोड्स का बहुत बुरा हाल है अस्तोर में देवसाई में, तो इनका ये कहना है कि इस पैसे का जो डेवलपमेंट करनी होती है वो यहाँ जीबी की गवर्नमेंट ने करनी होती है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने वो पैसे कलेक्ट करके उनको जमा करवाने होते हैं। तो अगर नेगलिजेंस है तो ये थोड़ी सी जीबी गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनको अस्तोर के टूरिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर रोड्स का जो और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। दूसरा, इन लोगों ने मुझे ये बताया है कि ये जो 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, ये जो सारा पैसा इकट्ठा होता है ये पैसा 80% यहाँ के लोगों की, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी हेल्थ पे और उनकी एजुकेशन पे खर्च होता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो अस्तोर के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो तकरीबन 99.9% है। मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हेल्थ की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हेल्थ का कोई ऐसा मेयार होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं देखा और जो अस्पताल है उनका वैसे ही जो है ना खस्ता हाल है, और सड़कों का हाल जो है वो बहुत बुरा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरा मकसद इस चीज़ को हाईलाइट करने का ये है कि ये जगह दुनिया की जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, और अगर यहाँ पर रोड्स टूटे होंगे हमारे घर से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और अच्छा किया जाए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, ताकि अगर ये जो पर पर्सन पैसे ले भी रहे हैं तो ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा इनको जो है ना यहाँ पे 80% के हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों पे खर्च करते हैं ज़्यादा पैसे खर्च कर सकेंगे। देवसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, एक देव और दूसरा साई, यानी देव का साया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ देव बसते हैं। आज भी मकामी लोगों का ये मानना है कि ये हसीन मैदान मफूकुल फितरत मखलूक का मस्कन है। यहाँ देखते ही देखते मौसम ख़राब होने लगता है और कभी अचानक शदीद ज़ालावारी होने लगती है। हर लम्हा बदलते मौसम की वजह से देवसाई में धूप छाँव का खेल जारी रहता है। ये इलाका जंगली हयात से मामूर होने की वजह से इंसान के लिए नाकाबिले अबूर रहा है। बर्फानी और यख बस्ता हवाओं, तूफानों और खौफनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी में यहाँ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुमकिन नहीं। इसीलिए तो आज तक इस खत्ते में कोई इंसान आबाद ही नहीं। कश्मीर से हिजरत करके देवसाई आने वाले खानाबदोशों की कदीम गुजरगाह भी यही मैदान है, जो अपने साथ भेड़ बकरियां लेकर देवसाई की हैबत में चलते जाते हैं।
हिमालय के दामन में वाक़ देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद अपनी नोयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है, जो अपने किसी भी मकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद है ही नहीं। साल के 8 माह ये मकाम बर्फ से ढका रहता है, मगर हैरत की बात यह है कि गर्मियों के सिर्फ 4 महीनों में ही पहाड़ी ढलवानों और घाटियों पर मुश्तमिल 3000 मुरब्बा किलोमीटर के इस कदरे हमवार मैदानों की ज़मीन पर हजारहा रंग के शौख जंगली फूल तो जा बजा खिलते ही हैं, लेकिन कहीं भी एक दरख्त भी नहीं मिलता। ये जो खूबसूरत वादी आप देख रहे हैं, चारों तरफ से पहाड़ है और यहाँ मैं अकेली हूँ और मेरे पीछे है यॉक्स। और ये जो यॉक है ये यहाँ अस्तोर के अंदर पाए जाते हैं देवसाई में। ये जो वादी है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इसे कहते हैं देवसाई। देवसाई का मतलब ये होता है द्यो मतलब जिन और साई मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जिन और परियाँ रहती हैं, यानी जिनों और परियों का मस्कन। और यहाँ पे यॉक्स भी रहते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे पंजाब में इस तरह के यॉक्स नहीं पाए जाते, ये बहुत ही नायाब है और बहुत ही कम है। और दूर दूर तक अगर आप देखें तो आसमान पे बादलों को देखें, किस तरह आसमान पे बादल जो हैं वो पहाड़ों के साथ बातें कर रहे हैं। और एज़ यूजुअल मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही रोमांटिक और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और इतनी खूबसूरत और हसीन वादी में मैं और मेरे आप जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्योंकि मैं अपना हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देवसाई के बारे में मैं आपको जितना बताती चली जाऊंगी आप उतना ही हैरान होते जाएंगे। इस मैदान में जगह जगह बहते नाले और इसमें मौजूद सुनहरी ट्राउट मछलियाँ, बैकड्रॉप में 5000 मीटर बुलंद बर्फ पोश पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों में मुकीम जंगली हयात, आसमान से गुजरते बादलों के बड़े बड़े टुकड़े जो इतनी कम बुलंदी से गुजरते हुए मालूम होते हैं कि ऐसा लगने लगता है जैसे आप पर साया करने को कुदरत ने एक छतरी बना रखी है। और इन टुकड़ों के बीच महवे परवाज हिमालयाई गोल्डन ईगल्स, फिजा में फैली एक अनजान महक जो शायद बूरे रीछों और सुर्ख लोमड़ियों, सफ़ेद चीतों और शरारती मारमोटों के जिस्मों से निकलकर देवसाई की नमज़दा घास और ताज़ा जंगली फूलों से मिलकर सारी फिजा को मुअत्तर किए रखती है। और यही देवसाई का हुस्न है। इस खत्ताए ज़मीन पर जनाब मीर तकी मीर का मुझे एक शेर याद आता है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। देवसाई में हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। चलिए आइए आज मैं आपको बताती हूँ इस गहरे नीले रंग की श्योसर झील के बारे में, जो इंतहाई सर्द पानी का एक ज़खीरा है। आज तक ये एक अजूबा है। इस झील का ये राज नहीं समझा जा सकता कि दीगर तमाम झीलों के बरअक्स इस झील का पानी आता कहाँ से है, और इसका अखराज भी कोई नहीं जानता कि कहाँ से होता है। इसी वजह से इसे श्योसर यानी कि अंधी झील कहा जाता है। श्योसर झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक झील है जो गहरे नीले पानी पर मुश्तमिल है। अपने पस मंजर में बर्फ पोश पहाड़ों, रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरद झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। श्योसर झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए एक पूरा दिन भी आपके लिए नाकाफी होगा, जिससे इसके तूलो अर्ज का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। देवसाई और श्योसर झील सयाहों की पहुंच में दो अतराफ से है, यानी एक स्कर्दू की शुमाली समत से और दूसरा अस्तोर की साइड से। और मैंने इसको डिस्कवर किया था अस्तोर की तरफ से। सयाह अपनी हिम्मत और शौक के मुताबिक कई तरीक़ों से देवसाई की सैर करते हैं, आमतौर पर जीप, सफारी और घोड़ों के ज़रिए, या फिर जिस्मानी तौर पर जो लोग मजबूत होते हैं
वो पैदल भी देवसाई तक सफर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो झील है ये एक हार्ट की शेप में है, और अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ आपको पर्पल और येलो कलर के फूल नजर आएंगे, और दूर दूर तक नीले यानी स्काई ब्लू कलर के आसमान के साथ स्काई ब्लू कलर की झील, और बीच में डक्स और सीगल्स आपको नजर आएंगे, और सीगल्स जो है वो डायरेक्ट डाइव करके और वो बीच में से निकालते हैं मछलियाँ, ट्राउट मछलियाँ। और बारिश की हल्की हल्की फुहार एज यूजुअल यहाँ पर है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में तब तक आने का कोई मज़ा नहीं है जब तक वहाँ का वेदर अच्छा ना हो। तो इतनी ज़्यादा तकरीबन 13,500 फीट की बुलंदी पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा। और अगर आप देखें तो येलो जो मेरा फेवरेट कलर है, येलो और पर्पल का क्या हसीन इम्तिजाज है। और अगर आप ये कहें कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ खूबसूरत स्टूडियो है, इतना हसीन स्टूडियो है कि आप दुनियावी तौर पर जितनी मर्जी कोशिश कर लें इतनी हसीन सीनरी आप बना ही नहीं सकते हैं। जब भी आए आपके पास बेतहाशा गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चाहे बाहर कितना भी ज़्यादा हो, चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन जब आप श्योसर पर जाएंगे तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी, इतनी ज़्यादा सर्दी होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस वक्त हम लोग एक फ्रीजिंग पॉइंट पे खड़े हैं, हालांकि ये अगस्त का महीना है। और सबसे बढ़कर ये कि श्योसर लेक के ऊपर जब आप आए तो आपके कान जो है वो पूरी तरह से ढके होने चाहिए, कैप होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास यहाँ पर अभी कैप नहीं थी, लेकिन मैंने डबल जैकेट पहनी हुई है, तो मैंने क्या किया कि टिशू लेकर उसे अपने कानों में जो है ना वो इस तरह से इंसर्ट कर लिया। उसकी रीज़न ये थी कि अगर ये हवा आपके कानों में से गुजरेगी तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कानों के पर्दों को चीरती हुई एक पर्दे से दूसरे पर्दे को के अंदर ये एक कान से दूसरे कान में से गुजर रही है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि ग्लव्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। मेरे पास ग्लव्स हैं, लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको इसी तरह एज इट इज़ इंजॉय किया जाए। मैंने आपको दूर से भी श्योसर लेक दिखाई है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि श्योसर लेक जो है इसके बारे में आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि इसका पानी कहाँ से आता है। और सबसे बढ़कर ये कि श्योसर लेक का जो पानी है वो स्काई ब्लू कलर का है, आसमान भी स्काई ब्लू कलर का है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान पे भी श्योसर है और नीचे भी श्योसर है। और सीगल्स जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और सी डाइविंग की तरह वो एकदम डाइव मारते हैं, और जितने भी यहाँ पे वो ट्राउट मछलियाँ होती हैं उनका शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं, और ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बारबेक्यू भी करते हैं और आग जलाकर बैठते हैं, लेकिन आग आप बेशक जला लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और सर्दियों में ये जो श्योसर लेक है ये पूरी तरह से जम जाती है,
और इसके ऊपर जो है वो लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। इवन के जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो खच्चरों को लेकर यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे जो मकामी जानवर हैं उनमें एक यॉर्क जो है वो लाजमी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ही नायाब है। और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर आपको वो खूबसूरती, वो ब्यूटी, वो सुकून मिलेगा जो आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर रह जाऊँ और मैं वापस ना जाऊँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, चेहरे पर गिर रही है, ठंडी हवा चल रही है और मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है, इसको कहते हैं द्योसाई, द्योसाई इस जगह का नाम है और शोसर लेक इस लेक का नाम है, यानी ऐसा परियों का मस्कन जहाँ पर परियाँ रहती हूँ। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं कोई परी हूँ और यहाँ पर मैं इस झील की सैर करने के लिए आई हूँ। मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर कैंपिंग भी लोग करते हैं। पिछले साल जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर होटल्स नहीं बनाए और ना ही यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि टूरिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब हैं। हम लोग यहाँ पर प्राडो में आए हैं और फिर भी इतनी ज़्यादा रोड ख़राब थे कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2 दिन का कंटिन्यूसली मैंने सफ़र किया है और फिर जाके मैं श्योसर लेक पर पहुँची हूँ। और आप देखें बादल कैसे पहाड़ों के साथ बातें कर रहे हैं, अल्फाज में बयान करना बिल्कुल मुश्किल है। और यहाँ पर इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि जगह जगह फूल हैं, पर्पल और येलो कलर के फूल हैं, वाइट कलर के सीगल्स हैं, नीला आसमान है। और चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए एक इंसान को, इससे ज़्यादा और क्या होगा जो एक इंसान को चाहिए। देवसाई में आप जब आते हैं तो आपको करीबी गांव के बकरवाल अपनी बकरियां और यॉर्क चराते नज़र आते हैं। सदियों से झेलम के गुजर हर साल देवसाई की बर्फ़ पिघलते ही मुजफ्फराबाद, केल और मिनी मग के रास्ते यहां अपने मवेशी लेकर आते हैं। यहां इतने रंग के और इतनी तादाद में फूल हैं कि आप सारा दिन भी अगर इनको देखने में गुजार दें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप रीछों को देखना चाहते हैं तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ वाले आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। गर्ज 2 दिन गुजारने के लिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी मवाद मौजूद है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप कहीं और जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग यानी कि देवसाई, जिन्नों और परियों का मस्कन, आपको बहुत पसंद आया होगा और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो आपके बहुत काम आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।